बीजेपी को साथ लड़ा है, हम लड़े थे 25 और उसको 15, तो हम जीते 20 और वो जीते 12। ये सब जिजबा भूल रहे हैं, हर चीज को भूल रहे हैं। के बारे में बोलता है कोई कोई आजकल बयान देता है ना, ये तीसरे नंबर पर यही सब ना बोलता है। हम लोग भी तीसरे नंबर पर थे 2005 में। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार देश की सियासत गरमाती जा रही है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। आपको बता दें, अभी अभी नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में शिरकत होने पहुंचे थे, जहां नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने क्या कहा है, पहले आप इसे सुनिए। आप पर कब्जा बात केंद्र सरकार है, उसी का है, वो बोलेंगे और उसी का आएगा। लेकिन कौन कौन चीज बोलते हैं, वो हर चीज बोलते हैं अपना, तो उनको अपने ढंग से लोग बोलते हैं बिना मतलब की बात। अपोजिशन ने कहा तो जब काम करना चाहिए ना, तो काम नहीं हो रहा है। जहाँ घटनाएं घट गई तो उसके बारे में भी कोई बयान नहीं, हाउस चलता है, बाहर घूमते रहते हैं। तो ये सब पहले होता था जी, हम लोग थे जब तक एमपी थे और सरकार में भी श्रद्धे अटल जी के सरकार में थे या उसके पहले भी सरकार में थे। अब आप समझिए उस समय सब लोग रहते थे, अब अभी लोग नहीं रहते हैं, अपना कुछ कुछ बोलते रहते हैं। अब जो है एक तरफा ही कुछ कुछ छपते रहता है, अब और लोग जो बोला उसका खबर नहीं आता, दिन भर छपता है कुछ क्या बोल रहे हैं, तब उसको देखने की क्या जरूरत है। अब तो हम देखना घटा दिए, इसलिए कोई मतलब नहीं। और ये अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है किसी बात को रखना, उनको रख रहे हैं, उनको दे। अब तो उनको परेशानी है ही नहीं, अब इतनी पार्टियां एकजुट हो रही है, यही पटना से शुरू होकर के अब जानते हैं तीसरा भी होने वाला है। ये सब होने के बाद सब एकजुट होंगे और मिल करके, और जो कुछ भी होगा कि आगे क्या होना चाहिए, किस तरह से इस देश के विकास के लिए काम होना चाहिए, सारी बातें तय करके किया जाएगा। उनके लिए करें थी, उनके लिए करें कि शुभ है, तय हो जाएगा। अब तो मीटिंग चल रही है, शुरू हो गई है। आप लोग जब जब अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं उनके लिए शुभ है। ये सब चूंकि हो रहा है, परेशान है लोग, अपना रहे परेशान। तो वो कहते हैं कि 2024 में बीजेपी साफ हो जाएगी बिहार से। बिल्कुल आप पक्का जान लीजिए, इसलिए घबराहट में अब इस बार तो आप अच्छी तरह जान लीजिए। जो हम किए थे सब एकजुट हो गए हैं, अब इसका नतीजा जान लीजिए देश के लोगों का। अगर आप सही से पता कर लीजिए तो लोगों को लगता है कि ये लोग सिर्फ बिना मतलब का खाली प्रचार प्रसार करते हैं, कोई काम होता है जी, कोई विकास का काम हो रहा है, बोलिए ना। यहाँ पर जो भी काम किया है हम लोग न किए हैं जी, लेकिन लोग अपने से बोलने लगे। तब लोग अपने बोलते पहुँचाए, सब कुछ किए तो सब हम ही लोग न किए हैं। और सारा काम करके जब हम लोग शुरू किए तो उन लोगों को लगा ही करना चाहिए, अब जो करते हाँ। पर तो आप जानते हैं, आप विशेष राज्य का दर्जा का मांग किए तो नहीं ना किया। अब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता बिहार को तो आप सोचिए कितना आगे होता। आप बिहार को भूल जाते हैं, सबसे पौराणिक स्थल है, सबसे पुराना जगह, देख लीजिए इतिहास पूरे तौर पर। कई लोग के लिए कुछ नहीं करते हैं, अपना कुछ भी करते रहते हैं। तो चलिए छोड़िए, आप लोगों के बारे में बोलता है कोई कोई आजकल बयान देता है ना, ये तीसरे नंबर पर है, तो यही सब ना बोलता है। हाँ, हम लोग भी तीसरे नंबर पर थे 2005 में, और हम लोग तीसरे नंबर पर थे, क्या थे बताइए। 2005 में जीते तो कितना वोट आया हम लोगों को,
आ कितना बीजेपी को आया, दूसरे को कितना आया, आ 10 में क्या हुआ, 118 आ दूसरे को कम आया, तो कहेगा कि हम ही ज्यादा हैं। आ इस बार तो हम लोगों के साथ जो किया गया है, हराने का किया गया है, एजेंट को खड़ा करके अपना वोट दिया है, ये सब सब धंधा किया तो सब करके ना ये हालत हुआ है। और जब कभी चुनौवा हो जाएगा तब फिर आपको पता चलेगा, जनता को मालूम नहीं है जी। सर मोदी जी 2028 की बात कर रहे हैं, 2028 में फिर चाहते थे आप, इस बार आप जानते हैं हम नहीं बनना चाहते थे और हमने मना कर दिया, बड़े 8 दिन लगे रहे कर दिए, तो उन लोगों की बात हम मान लिए। फिर बीजेपी 2027 में क्या दिला दिए, बात आप समझ लीजिए, ये सब हुआ है, आप बोलते रहता है कुछ। बीजेपी 2009 में हम और वो साथ लड़े, तो 2009 में हमको आया कितना, 20। अब बीजेपी कोई साथ लड़ा है, हम लड़े थे 25 और उसको 15, तो हम जीते 20 और वो जीते 12। ये सब चीजवा भूल रहे हैं ना, हर चीजें को भूल रहे हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष की एकजुटता को देखकर कहीं ना कहीं मोदी सरकार घबरा गई है और आने वाले समय में मोदी सरकार का सुपड़ा साफ हो जाएगा कहीं ना कहीं। और वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में और भी दलों की जुटने की संभावना है इंडिया में। बहरहाल आप देख रहे थे आईवी टीवी, मैं निशा, धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।